नमस्कार दोस्तों, वीनास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही और पोहे से एक बहुत ही आसान और टेस्टी नाश्ता। ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा है, आप देख सकते हैं, है ना कितना ज़्यादा क्रिस्पी, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब हम रेसिपी बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कटोरी पोहा ले रही हूँ। इसे चाहे तो आप धोकर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बिना धुले ही लिया है, हम बाद में पानी में इसे सोक करेंगे। साथ ही एक चौथाई कप यहाँ पे सूजी ले रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैं 3 वाइट ब्रेड की स्लाइस ले रही हूँ। ये छोटी ब्रेड की स्लाइस हैं, अगर बड़ी ब्रेड की स्लाइस है तो आप एक ही लें, उससे भी हो जाएगा। इसे हम इस तरीके से क्रम करके डाल देंगे इसमें। इसके साथ हम इसमें राइस फ्लोर ऐड करेंगे, ये भी मैंने लगभग 2 चम्मच के लगभग लिया है। इसके साथ हम इसमें डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास ना हो तो नहीं डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर वाइट तिल डाल रहे हैं, इसे मैंने हल्का सा भून लिया था। अब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम डालेंगे कटा हुआ करी लीव्स, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, साथ ही धनिया लीव्स, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के लगभग हरी मिर्च, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम यहाँ पर 1 कटोरी के लगभग दही डाल रहे हैं, ये दही हल्का सा खट्टा है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे वड़े में। अब हम चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसके बाद हम इसे कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि पोहे ने पूरा पानी सोख लिया है और सूजी ने भी पानी सोख लिया है, और ये बैटर हमारा थोड़ा सा हार्ड हो गया है। हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हाथ में इस तरीके से तेल लगाएंगे और इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से दबाते हुए, इसे मैश करते हुए अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इससे सारा पोहा जो है वो पूरी तरीके से स्मूथ हो जाएगा और एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। अब हम इसी तरीके से इसे गूंथते हुए एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम अपनी दोनों हथेलियों पे इस तरीके से तेल लगा लेंगे ताकि ये पेस्ट जो है वो चिपके ना, और छोटी छोटी बॉल बना लेंगे जैसे हम रोटी बनाने के लिए बॉल बनाते हैं। ये देखिए लोई हमने बना ली है, इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस करेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसे, हम पतला ही रखेंगे ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो और कुरकुरा बने। इसके बीच में हम इस प्रकार से दोनों तरफ से होल कर देंगे, इससे वड़े चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसे ही पकेंगे। बस इसी तरीके से हम सारे वड़े को बना लेंगे। यहाँ हमें हाथों पे पानी का यूज़ नहीं करना है, वरना वड़े जो हैं वो थोड़े से गीले हो जाएंगे और इनका शेप जो है एक्चुअल शेप नहीं आ पाएगा इस तरीके से, इसलिए। अब हम सारे वड़े को इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे और गैस पर हम तेल गरम होने के लिए रख देंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। पहले हम थोड़ा सा टुकड़ा इसमें डालकर देखेंगे। ये देखिए, तेल अभी पूरी तरीके से गरम नहीं हुआ है। अब तेल गरम हो चुका है और हम इसमें सारे वड़ों को एक एक करके इस तरीके से डालेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे। बीच बीच में हम इसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि वड़ों में अच्छे सा कलर आ जाए। बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलाना है हमें, हल्के हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे और दोनों तरफ से इसे फ्राई करते रहेंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को यहाँ पे मीडियम करना है ताकि वड़ों में एक अच्छा सा कलर आ जाए और चारों तरफ से वड़े अच्छी तरीके से पक जाएँ। ये देखिए, हमारे वड़े में एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम सारे वड़ों को बाहर निकाल लेंगे और दूसरे वड़ों को हम तल लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसे आप हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ इसे
सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी हम मिलेंगे नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।